नमस्कार दोस्तों, आज हम मूंग दाल नमकीन बनाएंगे। इसलिए हमने 6 घंटे पहले मूंग दाल को भिगो के रखा था, अच्छा सा भीग कर रेडी है। अब हम इसका पानी बाहर निकालेंगे। अब हम अच्छा सा काटन के कपड़े के ऊपर सुखा देंगे। एक आधा घंटा के लिए देखिए, मूंग दाल भी अच्छा सूखकर रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए, मैंने मूंग दाल पूरा प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको बाजू में रख देंगे। अब हम सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में मूंग दाल डाल देंगे। देखिए, इसको चलाते हुए भूनना है मीडियम गैस पर। आंच को मीडियम रखना है। देखिए, मूंग दाल को अच्छा सा फ्राई करना है। चलाते हुए फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, करीब 10-15 मिनट लगता है, अच्छा सा भून कर रेडी है मूंग दाल। अब हम गैस को बंद कर देंगे। एक कटोरी में निकालेंगे मूंग दाल को। देखिए, मैंने कटोरी में निकाल ली है मूंग दाल, एकदम अच्छा सा क्रिस्पी है। अब हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे। नमक से अच्छा नमकीन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मूंग दाल नमकीन बनकर रेडी है। आप भी इसी प्रकार एक बार जरूर बनाएगा दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट बनती है। जरूर बनाएगा और आप इसको 1 महीना के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसी प्रकार अच्छा सा बनाकर आप एक डब्बे में डालकर रख दीजिए। आपका मन करे जब खाना आप बाहर निकाल कर खा सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।